मिर्जापुर से बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी के सहयोगी दल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनकी इस दौरान इस चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी रही है, मतदाताओं से उनकी क्या कुछ अपील रही, सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने लोकसभा क्षेत्र में मतदान करके निकली हैं, आप देखें हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये बताएं कि आज सातवें चरण की पोलिंग है, क्या तस्वीर अब दिखाई दे रही है? अब तो कुछ तस्वीर कुछ स्पष्ट होती दिखाई दे रही है? तस्वीर बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी है, शुरुआती दौर में ही स्पष्ट हो गई थी, लेकिन तस्वीर की बात करने से पहले मैं सभी देशवासियों से और मेरे संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से, मिर्ज़ापुर के लोगों से अपील करना चाहती हूँ। मैंने सुबह 7 बजे उठकर अपना वोट डाल दिया है, आप सब भी अपने मतदान स्थल तक जाएं, सुबह सवेरे अपना वोट डालें। आपका वोट आपकी आवाज़ है और लोकतंत्र के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये वोट देश के लिए और मिर्ज़ापुर के उज्जवल भविष्य के लिए, इसे ज़रूर डालें। अब बात करते हैं तस्वीर की। देश में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनने जा रही है और मिर्ज़ापुर में यहाँ की जनता, आम मतदाता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सरकार ने 400 पार का दावा किया था और उसको लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है, क्या आपको दिखाई दे रही तस्वीर लोकसभा? बिल्कुल स्पष्ट है, देश की जनता हमारे साथ है, मोदी जी की सरकार के कार्यों को सराह रही है। आज हमने इन 10 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था, जिसकी गिनती फ्रेजाइल 5 में हुआ करती थी, उसको टॉप 5 में लाकर खड़ा कर दिया है। देश में जिस स्केल और स्पीड पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है वो अभूतपूर्व है। आज लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो, रेल नेटवर्क, इन सुविधाओं का किस तेज़ गति से विस्तार हुआ है। देश के दूरस्थ इलाकों में ये सारी कनेक्टिविटी की सुविधाएँ पहुँची हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ी है, देश ज़्यादा सुरक्षित है। देश के अंदर लोगों के अंदर एक उत्साह है कि उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। तो देश की जनता ने देखा है कि सरकार किस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है और इसलिए इस बार जनता का आशीर्वाद 2019 से भी ज़्यादा मिलने जा रहा है। विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं 200 आएगा, कोई कह रहा है 140 आएगा NDA का। अब विपक्ष से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि वो आपके चैनल पे आके दावे करेंगे कि हमारा 400 पार का लक्ष्य पूरा हो रहा है। देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से ना उम्मीद है। 10 साल में हमने जो काम करके दिखाया है वो इससे पहले की सरकारों ने कभी भी इतने बड़े पैमाने पर इतनी तेज़ गति से काम नहीं कर पाया है और ये जनता धरातल पर देख रही है, महसूस कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भारत का मतदाता आकांक्षी है, वो अपना वोट देकर सिर्फ सरकार बनाना नहीं चाहता बल्कि उस सरकार से पूरा काम काज का लेखा जोखा चाहता है कि मैंने आपको अपना वोट दिया तो आपने क्या किया। और हमारे पास तो पूरा रिपोर्ट कार्ड है, वो लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता अपनी आंखों से देख रही है। और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि विपक्ष के पास कोई स्कोप नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है और वो भी इस बात को जानते हैं कि देश में तीसरी बार फिर देश की जनता हमारे मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनाने जा रही है। जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वांचल की तमाम सीटों पर चुनाव है आज, इसमें PM की भी सीट है, आपकी भी सीट है, तो पूरी उत्तर प्रदेश में क्या दिख रहा है? उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी उतनी ही स्पष्ट है और उतनी ही खूबसूरत, मजबूत है। पूर्वांचल की जब आप बात करते हैं तो आज आप देखिए, पूर्वांचल में जो हमारा गठबंधन है जिसमें हमारे तमाम साथी दल हैं, अपना दल के साथ साथ आज सुभाषपा है जो पिछली बार हमारे साथ नहीं थी तो हमें कुछ नुकसान ज़रूर हुआ था, आज वो हमारे साथ है, निषाद पार्टी हमारे साथ है, पश्चिम में जाइए हमारे पास RLD है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ एक बड़े भाई की भूमिका में है। तो हमारे गठबंधन की अपनी जो ज़मीनी ताकत है और प्लस जो हमारे राज्य की सरकार और देश की सरकार ने खास तौर से पूर्वांचल पर और देश के पूर्वी हिस्से पर अपनी दृष्टि केंद्रित की है कि यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करना है, तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर पहुँचाई हैं, तो लोगों में एक उत्साह आया है, लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी है कि हमारा पूर्वांचल भी आगे बढ़ सकता है और इसलिए पूर्वांचल में भी बेहतरीन परिणाम मिलने जा रहे हैं। हम ध्यान साधना में बैठे थे, उसको लेकर के भी तमाम टिप्पणियाँ। अच्छा अनुप्रिया जी, एक सवाल ये है कि विपक्ष ने कहा है कि एग्जिट पोल का बायकॉट करें और TV चैनल जो दिखाएंगे उसमें, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारे विपक्ष के साथी नाउम्मीद हो चुके हैं, उनके अंदर भीषण हताशा है, निराशा है और ये घोर निराशा के चलते हुए ही इस प्रकार की बातें की जा रही हैं।
एग्जिट पोल्स क्या है, ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी तो जो परिणाम आने हैं 4 जून को वो आएंगे ही। जिसने आपको वोट दिया होगा वो ईवीएम में कैद हो गया है, जिसने हमें वोट दिया होगा वो भी ईवीएम में कैद हो गया है। इसलिए 4 जून के परिणामों पर यदि आपको अपने आपको लगता है कि जनता आपके साथ है तो आपको भरोसा रखना चाहिए, 4 जून का इंतजार कर। हाँ, तो हताशा है, घोर हताशा।